जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिड डे मील के लिए बनाई जा रही सब्जी के भगोने में 3 साल की मासूम गिर गई। भगोने में गिरने से मासूम गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला मिर्जापुर जिले के मणिहान थाना क्षेत्र के रामपुर अटरी गांव का है। जानकारी के मुताबिक भागीरथी लालगंज भूमि विकास बैंक चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत हैं, जिसके 2 बेटे और 1 बेटी है। प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 6 वर्षीय गणेश कक्षा 2 और 5 वर्षीय हिमांशु कक्षा 1 का छात्र है। सबसे छोटी 3 वर्षीय आंचल भाइयों के साथ स्कूल में स्थित आंगनबाड़ी में जाती थी। दोपहर में जब मिड डे मील बटने लगा तो सभी बच्चे इकट्ठा हुए। रसोईया सब्जी से भरे गर्म भगोने को बाहर रखकर अंदर चली गई। इस दौरान बच्चे मिड डे मील लेने के लिए भगोने के पास इकट्ठा हो गए। धक्का मुक्की में बच्ची भगोने के अंदर गिर गई। बच्चों ने शोर मचाया, मगर रसोईया ने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था, इसी कारण उसे सुनाई नहीं दिया। बच्चे अंदर रसोईया को बुलाने गए। बच्चों का शोर सुनकर सहायक अध्यापक नवनीत कुमार वर्मा ने बच्ची को भगोने से बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे मंडलीय अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मंडलीय अस्पताल में उपचार के दौरान मासूम ने अपनी जान गंवा दी। बच्ची के पिता ने स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इस हादसे के शिकार हुई बच्ची के पिता भागीरथ ने स्कूल प्रशासन को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी राम मिलन यादव ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं DM सुशील कुमार पटेल ने हेडमास्टर को निलंबित करने के साथ रसोईया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। तो बच्चे ने बोलते थे कि चलो हम साथ में बैठना सीखो। हाँ, अब गई थी पढ़ने के लिए, वहाँ पर जो दाई लोग हैं खाना बनाती हैं, वो लोग ऐसा किया कि खाना ले करके जो भगोला आता है वो खुले में रख करके अपना एयरफोन लगा कर बात कर रही थी। बात करने लगी, बच्ची हमारी खेलते खेलते पहुँच गई, उसी में गिर गई। प्रकरण मेरी संज्ञान में आया है, मैं संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से आज्ञा प्राप्त करके जांच कराऊंगा, उससे जो भी उसमें यदि कार्रवाई होगी। हमें जहाँ जानकारी है हमारे स्कूल की नहीं, वो वहाँ पंजीकृत नहीं आती है, आंगनबाड़ी की है क्या? नहीं, वो मेरे स्कूल के जो मेरे खंड शिक्षा अधिकारी जो है मुझे प्राथमिक रूप से बताया गया है कि वो मेरे स्कूल की बच्ची नहीं। तो कहाँ का मामला है, कि कब आपको पता चला, आप भी आए हैं जिला? नहीं, मुझे अभी जानकारी हुई है, मैं अभी तुरंत ही आया हूँ। ठीक है, तो जाँच कर रहे हैं अभी आप? हाँ, अभी मैं खंड शिक्षा अधिकारी से आख्या लेकर के जो है फिर उससे कार्रवाई। Thank you for watching our video. Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon.